दोस्तों आज हम बात करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट HVAC यूनिट कन्वर्जन के बारे में जो हमें डेली HVAC में यूज़ करने पड़ते हैं। तो पहला जो है टन ऑफ रेफ्रिजरेशन में हम टन को कौन कौन से यूनिट में हम कन्वर्ट करते हैं। तो 1 टन हमारा बराबर होता है 12,000 ब्रिटिश थर्मल यूनिट पर आवर। तो 1 टन हमारा 12,000 ब्रिटिश थर्मल यूनिट पर आवर के बराबर होता है। 1 टन हमारा सेम 3.516 किलोवाट, अगर किलोवाट में हमें चेंज करना है तो 3.16 किलोवाट के बराबर 1 टन होता है, क्योंकि कोई मशीन हमारी टन में नहीं दी होती, उसमें किलोवाट दिया रहता है। तो हमें कैसे पता चलेगा कितने टन की है, तो हम आसानी से कैलकुलेट कन्वर्ट उसको कर सकते हैं। तो 1 टन हमारा बराबर होता है 3025.9 किलो कैलोरीज पर मिनट, और हमारा सेम 1 टन बराबर होता है 200 ब्रिटिश थर्मल यूनिट BTU ब्रिटिश थर्मल यूनिट पर मिनट, और 1 किलोवाट हमारा बराबर होता है 3412 ब्रिटिश थर्मल यूनिट पर आवर। तो ये हमारा टन में कन्वर्जन हो गया। अब दूसरा हमारा आता है एयर फ्लो, एयर फ्लो के कौन से यूनिट है। 1 LPS लीटर पर सेकेंड, 1 LPS हमारा बराबर होता है 2.119 CFM क्यूबिक फीट पर मिनट। 1 CFM बराबर होता है 1.7 CMH क्यूबिक मीटर पर आवर। उसके बाद 1 CMS हमारा बराबर होता है 1000 LPS, LPS होता है लीटर पर सेकेंड, और 1 CMS हमारा बराबर होता है 2119 CFM क्यूबिक फीट पर मिनट। उसके बाद हमारे डिस्टेंस के यूनिट कुछ है, 1 मीटर हमारा बराबर होता है 1000 मिलीमीटर, और 1 मीटर हमारा बराबर होता है 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर सेम हमारा बराबर होता है 3.28 फीट, यानी कि 1 मीटर में 3.28 फीट है। 1 मीटर हमारा बराबर होता है 39 इंच, यानी कि 1 मीटर में 39 इंच होते हैं, और 1 फीट हमारा बराबर है 12 इंच, 1 फीट में 12 इंच है। 1 इंच हमारा जो बराबर है वो है 2.54 CFM क्यूबिक सेंटीमीटर, सॉरी 1 इंच 2.54 सेंटीमीटर के बराबर है, और 1 सेंटीमीटर जो है वो है 10 मिलीमीटर। तो ये सारे यूनिट जो है HVAC में हमें डेली यूज़ करने पड़ते हैं। और यहाँ पे हमारे कुछ एडिशनल यूनिट भी यूज़ होते हैं, जैसे 1 MPM, MPM का मतलब होता है मीटर्स पर मिनट, 1 MPM का इक्वल टू होता है 3.24 FPM यानी कि फीट पर मिनट। तो 1 मीटर पर मिनट हमारा बराबर होता है 3.24 फीट पर मिनट, और 1 CFM हमारा बराबर होता है 28.31 LPM यानी कि लीटर्स पर मिनट, और 1 CMH क्यूबिक मीटर पर आवर वो बराबर होता है 4.4 GPM गैलन्स पर मिनट, और 1 GPM हमारा बराबर होता है 3.78 LPM लीटर्स पर मिनट, और 1 HP यानी कि हॉर्स पावर, 1 हॉर्स पावर हमारा बराबर होता है 0.746 किलोवाट, और 1 हॉर्स पावर हमारा सेम बराबर होता है 9550 ब्रिटिश थर्मल यूनिट पर आवर के, और 1 हॉर्स पावर हमारा सेम बराबर होता है 2410 किलो कैलोरी पर आवर, और 1 HP 1 हॉर्स पावर हमारा बराबर होता है 0.8 TR, और 1 TR की बात करेंगे तो 1 TR हमारा 1.25 HP के बराबर होता है, और 1 TR हमारा सेम 400 CFM के बारे में बराबर होता है। तो हमारे यूनिट कभी HP में दिया रहता है, कभी TR में होता है, कभी CFM में भी होता है। तो CFM में भी हमें कैसे पता चलेगा कि ये कितने TR की मशीन है, तो 1 TR में कितने 400 CFM होते हैं, और 1 TR में सेम 1.25 HP होते हैं, और 1 HP में 0.8 TR। तो ये सारे जो यूनिट है ये हमारे इंपॉर्टेंट जो हम डेली HVAC यूनिट इंस्टॉल करते हैं या HVAC इंडस्ट्री में काम करते हैं, तो ये इन यूनिट्स की हमें ज़रूरत पड़ती है, तो ये डेली उसमें हमें यूज़ होते हैं।